और आज अग्रवाल सब कुछ पूछना चाहते जी जी पूछो। महात्मा से अपनी बात कहने के लिए किसी मंदिर की या बाबा के कमरे की क्या आवश्यकता? सवेरे आप थे, मैंने सुना था, सवेरे मैंने सुना था, छत पर जाके बैठो, गार्डन में बैठो, बाबा के कमरे में बैठो, हॉल में बैठो, कहीं भी बैठो। सवेरे कहा था जिसके पास बाबा का कमरा है, घर में मंदिर है आपका, उधर बैठो, किसी को कुछ भी नहीं है, छत पर बैठो, किसी को का और भी वो भी नहीं है, घर में कोई ज्ञान में था, का गार्डन में बैठो, झाड़ आराम से बैठो, किसी को कुछ नहीं, कहीं झाड़ के सामने बैठो। कहा तो सभी बताना पड़ेगा ना। अगर आपने कहा भाई जी छत पर जाकर बैठो, हमारे घर में बाबा का कमरा है, मंदिर है, वहां बैठो, सभी को व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के लोग हैं। कोई ज्ञान में नहीं चलते तो थोड़ा सा हो कहेंगे हमारे घर में कोई नहीं चलता है, कहाँ योग करें? हाँ छत पर जाके बैठो, ऐसे नहीं खटिया पर बैठ के योग करो, इसलिए व्यवस्था बता कर सकते, जरूरत नहीं है। संकल्प शक्ति है ना, जिसको साधन चाहिए, जिसके पास अच्छा, लेकिन एक याद रखना, क्योंकि बोलते समय सब सुनना समझना चाहिए, अगर आप में से कोई छत पर ऐसी जगह पर जाके योग करते उसकी भी याद रखना, दूसरी आत्मा भी प्रवेश कर सकती है, ये भी याद रखना। ऐसी जगह पर जाके बैठेंगे आप जहां आपके पास ताकत नहीं है इतनी, तो दूसरे आत्मा भी आ सके। इसलिए स्वच्छ वातावरण चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए। अगर ऐसी जगह पर बैठो, छत पर जाके बैठो, कहा कहीं ऐसे जगह पर बैठो दूसरी आत्माएं भी भटकती हुई आत्माएं भी घूम रही है, उनको भी अच्छा स्थान चाहिए, ऐसे व्यक्ति चाहिए, प्रवेश कर सकती है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे संगठित योग करो, स्थान दिया है उस स्थान पर जाके बैठो, फिर भी किसी को कुछ नहीं है, अपने घर में जाके करना चाहते कर सकते, लेकिन आपको सावधान चाहिए। रात को बैठते कोई छत पर जाके, वातावरण अच्छा नहीं, आज जंगल, आज कितने लोग साढ़े होके जाते, एक्सीडेंट होता है, तो ऐसी वातावरण में बैठेंगे दूसरी आत्मा भी प्रवेश कर सकती है, इसका भी ध्यान देना।